एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वेवे सीचोंग को बताती है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो वो तो एकदम से हैरान रह जाता है। तभी बाहर से मॉम डैड भी आते हैं जिन्होंने ये बात सुन ली थी, तो वेवे उन दोनों को बता देती है कि वो डॉक्टर जियांग के पास गई थी और उसने जाकर वो थेरेपी करवाई। जो सुनकर उसके पेरेंट्स पहले तो उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने इतनी रिस्की सर्जरी क्यों करवाई, लेकिन फिर वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। और यहाँ पर सीचोंग को वेवे का हाथ पकड़े हुए देख फादर सीचोंग को बाहर बुलाते हैं बात करने के लिए, जहाँ इन दोनों के पीछे पीछे वेवे भी जाती है। बाहर जाकर फादर सीचोंग से उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और जब वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है तो उसके फादर बोलते हैं कि क्या ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो सुनकर सीचोंग एकदम से उसके डैड को बोल देता है कि मैं वेवे को पसंद करता हूँ, जो सुनकर वेवे शर्माने लग जाती है। तो फादर उसे बोलते हैं कि अभी ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और इससे आगे की वो कुछ बोल पाते तभी मदर वहाँ पर आकर फादर को वहाँ से खींच कर ले जाती है। जिसके बाद हम शाहरुख को देखते हैं जिसे नितिन मैसेज करके अपनी गलती मानने के लिए बोलती है। तभी लॉकर रूम में डिंग कुछ लड़कों के साथ आता है, जहां उसे भी दायशी मैसेज करके बताती है कि वेवे ने प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर दिया है, जिस वजह से सीचोंग ड्रग टेस्ट लेने के लिए जाने वाला है, और अगर अब शाहरुख वेवे के उस वीडियो को रिलीज भी कर देगा तब भी किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होगा। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और सभी लोगों को बताता है कि सीचोंग ड्रग टेस्ट लेने के लिए जाने वाला है, जो बात सुनकर शाहरुख वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि सीचोंग को ड्रग टेस्ट के लिए लेकर जाती है, पर डॉक्टर उन्हें कल आने के लिए बोलते हैं और वो फॉर्म के ऊपर टीचर के साइन कराने के लिए भी बोलते हैं, इसलिए ये दोनों वापस जाने लगते हैं। पर बस स्टॉप पर वेट करते करते इन्हें काफी देर हो जाती है, ना ही वहाँ पर कोई बस आ रही थी और ना ही कोई टैक्सी, और वेवे बेचारी थक कर सीचोंग के शोल्डर पर सर रख कर ही सो जाती है, जो देखकर सीचोंग उसे रात किसी होटल में बिताने के लिए बोलता है, जिस पर वो मान जाती है और ये दोनों होटल में जाकर दो रूम्स मांगते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनके होटल में अभी सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जिस वजह से इन दोनों को मजबूरी में वही रूम लेना पड़ता है। पर जब ये दोनों रूम में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है, तो सीचोंग एक और रूम लेने के लिए जाने लगता है, पर वेवे उसे रोककर बोलती है कि रहने दो, अब काफी रात हो गई है। ये बोलकर वो नहाने के लिए चली जाती है और सीचोंग बेचारा काफी नर्वस होकर बैठा हुआ था। नहाने के बाद वेवे अपने बाल सुखाने लगती है तो सीचोंग उसकी मदद करता है, और क्योंकि यहाँ पर दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे तो सीचोंग एक और रूम लेने के लिए चला जाता है और उसे रूम मिल भी जाता है। अब अगले दिन जब ये लोग कॉलेज में आते हैं तो वेवे काफी खुश थी, जिसे देखकर सीचोंग पूछता है कि भला तुम इतनी खुश क्यों हो, तो वो उसे बता देती है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब तुम प्रोविजनल टीम में जाने वाले हो। जो सुनकर सीचोंग बोलता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा ही खुश हो तो फिर हम ना चिल्ड्रंस डे पर बाहर घूमने के लिए चलेंगे, पर वेवे बोलती है कि ये ना मैं सोचकर बताऊंगी। ये लोग अब मिस मेलिंग के पास जाकर उन्हें ड्रग टेस्ट के पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो बताती है कि अब ड्रग टेस्ट की डेट निकल चुकी है और क्या तुम्हें कोच ने बताया नहीं कि तुम्हें प्रोविजनल टीम से अब बाहर निकाल दिया गया है, पर तुम्हारी कोच तुम पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगी। जो सुनकर ही दोनों ही काफी सैड हो जाते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम कोच को देखते हैं जो कि सीचोंग के लिए काफी परेशान थी और वो सोच रही होती है कि वो ये बात सीचोंग को कैसे बताए। फिर वो शाहरुख को बोलते हैं कि तुम तो उसके रूममेट हो ना, तो तुम उसका ख्याल रखना और प्रोविजनल टीम में जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि काफी सैड थी, तो सीचोंग उसे समझाता है कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, कोई बात नहीं मैं प्रोविजनल टीम में अगले साल चले जाऊंगा। लेकिन वेवे बोलती है कि ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो सीचोंग उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि स्विमिंग मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट थी, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, और चाहे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर ना हो तुम हमेशा मेरी पिकाची रहोगी, इसलिए अब चलो सैड मत हो और मुझे किस करो। इसलिए वेवे उसे किस कर देती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब लंच टाइम में जब सभी लोग साथ में होते हैं तो सीचोंग भी वहाँ पर आकर वेवे के बारे में पूछता है, तो डाइशी उसे बता देती है कि वो तो यूशिन के साथ कहीं पर गई हुई है। अब वहाँ पर सभी लोग काफी सैड थे तो सीचोंग बोलते हैं कि अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं मैं प्रोविजनल टीम में नहीं जा रहा तो क्या हो गया। तभी वहाँ पर शाहरुख भी आ जाता है तो कुछ लड़की उसे सीचोंग के साथ बैठा देते हैं और बोलते हैं कि हम सब लोग ना अभी भी टीममेट्स हैं, पर डाइशी उसे वहाँ पर बातें सुनाने लग जाती है, जो देखकर उन लोगों में थोड़ी सी बहस होती है, तो सीचोंग उन सभी को रोक देता है और शाहरुख से बोलता है कि शाहरुख क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है, पर वो बोलता है कि मैं सब कुछ कह चुका हूँ, और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसे इस तरह देखकर जुनजुन भी सैड होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशिन वेवे को अपने डैड से मिलाने के लिए लाई होती है, या हम देखते हैं कि उनका रिलेशन अब काफी अच्छा हो चुका है, और यूशिन अपने डैड से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सीचोंग अभी भी प्रोफेशनल टीम में जा सकता हूँ, तो उसके डैड वेवे को सोनिया की मदद लेने के लिए बोलते हैं। अगले दिन हम शाहरुख को देखते हैं जो जब नोटिस बोर्ड के पास जाता है तो देखता है कि प्रोफेशनल टीम में उसके सिलेक्शन का नोटिस अभी तक बोर्ड पर नहीं लगा हुआ था, तभी उसे कोच का कॉल आ जाता है जो कि उसे बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में सोनिया और प्रोफेशनल टीम के कुछ मेंबर्स
आए होते हैं, जिनके सामने शारुए और सीचोंग दोनों का ही ड्रग टेस्ट किया जाता है कंपटीशन को फेयर रखने के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करने के लिए कि उन दोनों में से कौन प्रोविजनल टीम में जाएगा, उन दोनों का ही आज एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है। पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब शारुए वहां पर नहीं आता तो कोच के कहने पर सीचोंग उसे लॉकर रूम में ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे शारुए तो नहीं मिलता पर उसका लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने जलसी की वजह से तुम्हारे और विवेक के साथ काफी कुछ गलत किया और मैं तो हमेशा से ही तुमसे हारता आ रहा हूँ, तो इस मैच का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम सीचोंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि घर पर बैठकर काफी नर्वस हो रहे थे, तभी उनकी फोन पर एक मैसेज आता है तो मॉम डैड को देखने के लिए बोलती है। जब डैड मैसेज को चेक करते हैं तो वो काफी सीरियस लुक देते हैं, जिसे देखकर मॉम भी डरने लग जाती है और उनके हाथ से फोन छीनकर उस मैसेज को पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि सीचोंग ने टेस्ट में काफी फास्ट स्विम करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और अब उसे प्रोविजनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है, जो देखकर वो डैड को मारने लगती है क्योंकि उन्होंने तो उसे डरा ही दिया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग रिहैबिलिटेशन क्लब को ज्वाइन कर रहे थे, जहां डाइशिन सभी का वीडियो बना रही होती है और विवेक किसी को मसाज दे रही थी क्योंकि वो अब मेजर चेंज नहीं करने वाली थी। तभी वहां पर सीचोंग आकर उसे हग कर लेता है और फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ विवेक को मुस्कुराते हुए देखकर सीचोंग उससे पूछता है कि भला तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, अच्छा तो मैं अब समझा तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है ना इसीलिए, जो सुनकर विवेक कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन सीचोंग उसे रोक लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने अभी तक ये वॉच क्यों पहनी हुई है, तो विवेक बोलती है कि मुझे इसे पहनने की आदत हो गई है। सीचोंग फिर उससे पूछता है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम करना चाहती हो पर तुम अभी तक नहीं कर पाए, तो विवेक कहती है कि हाँ मैंने ना आज तक स्विमिंग नहीं की, जो सुनकर सीचोंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कॉलेज का बेस्ट स्विमर है और तुमने अभी तक स्विमिंग नहीं की, ये बोलकर वो उसे स्विमिंग कराने के लिए लेकर जाता है। वेवे तो काफी डर रही होती है लेकिन सीचोंग उसे कंसोल करके कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो पूल में कूद जाता है और वेवे को भी अंदर आने को बोलता है पर वो डर रही थी, पर वो उसे किसी तरह से पूल में बुला लेता है, जहां वेवे सीचोंग को कस के हक कर लेती है और बोलती है कि सिचुएशन का एडवांटेज मत लेना, तो सीचोंग बोलता है कि मैं सिचुएशन का एडवांटेज लूंगा वो भी तुमसे, फिलहाल तो तुम ही सिचुएशन का एडवांटेज ले रही हो, ये बोलकर फिर वो उसे स्विमिंग करना सिखाता है। स्विमिंग करने के बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ वेवे सीचोंग को बताती है कि मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कभी नहीं सोचा था कि मैं स्विमिंग कर पाऊंगी और ना ही मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा था, तो सीचोंग बोलता है कि अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हो और हमारे फ्यूचर के बारे में भी, जो सुनकर वेवे स्माइल करती है और सीचोंग को किस कर देती है, तो रिटर्न में सीचोंग भी उसे किस करता है और यहाँ ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कॉलेज में नोटिस लगा होता है कि सीचोंग ने काफी फास्ट स्विम करके प्रोविजनल टीम में अपनी जगह बना ली है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और तभी जुनजुन शारुए को वहां से जाता हुआ देखती है, जिसके बाद सीचोंग के दोस्त उसे जबरदस्ती शारुए से बात कराने के लिए लेकर जाते हैं, पर रूम में जाकर वो देखते हैं कि वो तो अपना सारा सामान लेकर वहां से जा चुका है। जिसके बाद हम शारुए को देखते हैं जो कि जुनजुन को मिलने के लिए बुलाता है, वो उससे पूछता है कि क्या हम लोग अब भी फ्रेंड्स हैं, जिस पर जुनजुन उसे सीचोंग से एक बार सामने जाकर माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन शारुए ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर कोई भी मुझे माफ ना करे तो यही मेरे लिए सजा है, और क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ सीचोंग के लिए प्यार है, सीचोंग ने ड्रग टेस्ट कराया ना तो उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी और अब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वे इलेक्ट्रोफ्यूरियस है, जो सुनकर जुनजुन कहती है कि तुम कभी भी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बल्कि तुम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे और अगर तुम अभी भी ये सब सोच रहे हो तो आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। ये बात सुनकर शारुए कहता है कि क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है, और नाराज होकर वहां से चला जाता है। जुनजुन भी उसके पीछे पीछे जाती है, वो उसे डॉम में वापस जाने का बोलकर सभी से माफी मांगने के लिए कहती है और बताती है कि सभी तुम्हें माफ कर देंगे, पर शारुए मना कर देता है। जुनजुन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो बल्कि मैं तो तुम्हें हमेशा से थैंक यू कहना चाहती थी क्योंकि तुम ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझे नोटिस किया था और मेरे दिल की बात जानी थी, तो शारुए भी उसे अपना दोस्त बनने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर उठकर वहां से जाने लगता है। जुनजुन उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ और डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। जहाँ जाने से पहले जुनजुन उसे बोलती है कि तुम्हारी इमेज मेरे दिल में अभी भी वैसी है, जो सुनकर शारुए स्माइल करने लगता है और जुनजुन भी स्माइल करती है। जिसके बाद हम सीचोंग और विवेक को साथ में देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे, तभी सीचोंग को अचानक से शॉक लगता है, तो विवेक बोलती है कि ये शॉक तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरी हार्ट बीट भी नहीं बढ़ी। सीचोंग बोलता है कि ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो, एक बार तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो भला वो वापस कैसे आ सकती है, ये बोलकर ये दोनों फिर से आगे जाने लगते हैं। जहाँ वेवे सीचोंग से पूछते हैं कि तुमने शारुए के बारे में क्या सोचा, तो सीचोंग उससे पूछता है कि क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए,
वेवे कहती है कि इसका जवाब तो पहले से ही तुम्हारे पास है। जिस पर सीचोंग कहता है कि मैंने ना हमेशा से ही उसे मेहनत करते हुए देखा है। हालांकि उसने एक गलती की है, लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वेवे बोलती है कि भला तुमसे कब इतने जेनरस हो गए। तो सीचोंग कहता है कि मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। ये बोलकर वो दोनों मस्ती करते हुए जाने लगते हैं। अगले दिन हम वेवे को देखते हैं जो जब डॉम से जा रही होती है। तभी वो दो लड़कियों से टकरा जाती है और उसके हाथों से अचानक से स्पार्क निकलता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट भी फास्ट नहीं हुई थी। फिर हम सीचोंग को देखते हैं जो कि नेशनल टीम में जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। डिंग यहाँ पर काफी सैड हो रहा था क्योंकि सीचोंग डॉम से जाने वाला था और अब सिर्फ वो और लिन ही डॉम के अंदर बचे थे। पर लिन तो हमेशा पढ़ाई वगैरह में ही बिजी रहता था, इसलिए डिंग एकदम अकेला होने वाला था। सीचोंग उसे बोलता है क्या हो गया, तुम भी लिन को ज्वाइन कर लेना, और उसे रात में देर तक गेम्स खेलने से मना करता है। कहता है कि वरना तुम टकले हो जाओगे और डाइशी तुम्हें छोड़ देगी। फिर वो अपनी एक जैकेट डिंग को देते हुए बोलता है कि जब भी मेरी याद आए ना इसे देख लेना। सीचोंग अब सामान पैक करते हुए अपनी डिंग और शाहरुख की एक फोटो देखता है, जिसे देखकर वो डिंग से शाहरुख के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो वो उसे बताने लगता है कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। ये सब बताकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी शाहरुख के बारे में सोच रहे हो। पर सीचोंग उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे शाहरुख का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद हम सीचोंग को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर शाहरुख उसे आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब फेस टू फेस बताने के लिए आया हूँ, कि मैंने कोच को बता दिया है कि मैंने ही तुम्हें फ्रेम किया था, पर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट के लिए अप्लाई कर दिया है और वेवे वाली बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सब बोलकर आखिर में वो उसे सॉरी कहता है। सीचोंग शाहरुख को बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने देखा कि तुम कितने टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हो, और जिस दिन तुमने कोच से कहा था ना कि तुम नेशनल टीम के चैंपियन बनना चाहते हो, तभी से मैंने तुम्हें अपना रिस्पेक्टेड ओपोनेंट समझा है। इसलिए चलो अब एक फेयर मैच करते हैं। जो सुनकर शाहरुख स्माइल करने लगता है। अब जब ये दोनों मैच के लिए पहुंचते हैं तो डाइशी जिनजिन से पूछती है कि बताओ दोनों में से कौन जीतेगा। जिनजिन कहती है कि हार जीत यहाँ पर मैटर नहीं करती। ये सभी लोग अब क्यूरियस होते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, और जैसे ही मैच शुरू होता है तो सभी लोग इन दोनों के लिए चेयर अप करते हैं, पर आखिर में सीचोंग जीत जाता है। लेकिन इस बार शाहरुख साइड नहीं होता और सीचोंग को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसने गलती की है, पर फिर भी सभी लोगों ने उसे माफ कर दिया। फिर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब शाहरुख जब जा रहा होता है तो सभी लोग उसे छोड़ने के लिए कॉलेज के बाहर तक जाते हैं और उसे अच्छे से गुड बाय करते हैं। जुनजुन भी उसे स्माइल करते हुए गुड बाय बोलती है, लेकिन उसके जाने के बाद थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अब लिन बोलता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तो डिंग उसे रोक कर बोलता है कि इतनी लंबी रात को भला तुम कैसे सो सकते हो। फिर ये सभी सीचोंग के घर पर पार्टी करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। जहाँ ये लोग ड्रिंक करते हैं तो वेवे बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्यूरियस होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे कभी भी ड्रिंक नहीं करने देते थे, और आज मैं पहली बार ड्रिंक कर रही हूँ। जो सुनकर सीचोंग कहता है कि अब से ना तुम कभी भी ड्रिंक कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जो सुनकर डिंग बोलता है कि तुमने ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा, तुम ऐसे करते हुए काफी अच्छे लगते हो। जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी लिन सीचोंग को कुछ नी पैड्स देता है ताकि जब वो प्रोविजनल टीम में जाए तो वहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सके। जब वेवे उस बैग को देखती है तो बोलती है कि ये तो तुमने अकेले नहीं खरीदा होगा। तो वो बता देता है कि हाँ, इस बैग को खरीदने में ना मेरे यूशन ने हेल्प की थी। जिससे यहाँ पर सभी लोगों को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है और सभी चेयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। अगली सुबह जब सीचोंग की आंख खुलती है तो वेवे उसके सामने लेटी हुई थी, इसलिए वो उसको एकदम क्लोज आकर उसे किस कर देता है। तभी वेवे की भी आंख खुलती है और वो पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो सीचोंग एकदम शरीफ बच्चा बनकर बोलता है कि ये जरूर ना बाकी सब लोगों का प्लान होगा, और वो नीचे जाकर देखता है तो सभी लोग जा चुके थे। पर यहाँ पर उसे डिंग का नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम तुम्हें वेवे के साथ अकेला छोड़कर जा रहे हैं और ये मौका मत गंवाना। जो पढ़कर सीचोंग भी स्माइल करने लगता है, पर तभी वेवे वहाँ पर आ जाती है तो वो उस नोट को छुपा देता है। वो उसे बताता है कि सभी लोग तो जा चुके हैं। तो वेवे कहती है कि फिर मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सीचोंग उसे रोककर बोलता है कि रुको, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जब सीचोंग ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वेवे उसके पास ही खड़ी होकर देख रही थी और उसे बोलती है कि वाह, तुम तो एकदम प्रोफेशनल हो। अब ब्रेकफास्ट करते वक्त वेवे सीचोंग को एक वॉच गिफ्ट करती है जिस पर पिकाचू बना हुआ था। सीचोंग जैसे ही उस बॉक्स को हाथ लगाता है तो वेवे के हाथ पर हाथ लगने से उसको शॉक लगता है। तो वेवे कहती है कि तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। सीचोंग अब जब उस वॉच को पहनता है तो उसे वो काफी पसंद आती है। जिसके बाद हम पैंग पाई को देखते हैं, जिसकी कलीग का ट्रांसफर हो रहा था, इस वजह से वो थोड़ा अपसेट होता है। सीना फिर से वेवे पर आता है, जो बाकी बच्चों की तरह अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ती है और उसे काफी खुशी मिलती है क्योंकि कभी भी वो ऐसा नहीं कर पाई थी। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, तुमने हमें काफी बार शॉक भी दिया है, पर वैसे तुम्हारा शॉक इतना स्ट्रांग नहीं है कि इससे किसी की जान चली जाए, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो तुम्हें इसी की वजह से मिला है।
तो वेवे बोलती है कि डैड ऐसा नहीं है, उसको मैंने इलेक्ट्रिफाई नहीं किया था, बल्कि वो तो मुझसे सच में प्यार करता है। पर यहाँ उसके डैड सिर्फ मजाक में ऐसी बातें कह रहे थे। मॉम वेवे को कहती है कि भले ही तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो, लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर यहाँ सभी लोग साथ में काफी खुश होकर स्ट्रॉबेरीज खाने लगते हैं, जिसके बाद वेवे अपने रूम में जाकर सीचोंग से बात करने लगती है, जहाँ सीचोंग उसे बड़े प्यार से देख रहा था। तो वेवे उससे पूछती है कि ऐसे क्या देख रहे हो। वो उसे बोलता है कि तुम इस तरीके से देखने में कितनी प्यारी लग रही हो। वेवे कहती है कि अच्छा, तो इससे पहले मैं क्या तुम्हें कभी प्यारी नहीं लगी। सीचोंग कहता है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने पहली बार किसी लड़की को इतना प्यार से नोटिस करा है। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। सीचोंग फिर उसे बोलता है कि कल ना हम लोग कैंपिंग करने चलेंगे, जिस पर वेवे मान जाती है और ये दोनों फोन रख देते हैं। फिर वेवे जब लैपटॉप चला रही होती है, तभी उसके हाथ से अचानक से स्पार्क निकलता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब वेवे की मॉम उसके रूम में आती है, तब वो देखती है कि वेवे की बॉडी से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और उसे हाथ लगाते ही उन्हें शॉक लगता है। इसलिए वो लोग उसे फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है और वेवे से सच्चाई पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी को हटाने के लिए कुछ और तरीका भी अपनाया था। तो वेवे बता देती है कि जो दवाई आपने मुझे दी थी, उसका मैंने पूरा एक बॉक्स एक साथ खा लिया। जो सुनकर वेवे की मॉम उसे डांटने लग जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि पहले जब वेवे की हार्ट बीट बढ़ती थी, सिर्फ तभी इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी, लेकिन अब हार्ट बीट नॉर्मल होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और वो काफी अनस्टेबल हो गई है। तो इसके कंडीशन की सुधारने के लिए मैं एक मेडिसिन दे रहा हूं, पर ये सब कुछ पूरी तरीके से ठीक होने में काफी महीने लग जाएंगे। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि वेवे को किसी ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां पर कम लोग हों, और उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब वेवे उस दवाई को खाकर बाहर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सीचोंग बाहर कैंपिंग पर जाने के लिए उसका वेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, तो सीचोंग उससे पूछता है कि तुमने रेनकोट क्यों पहना हुआ है। तो वेवे उसे झूठ बोलती है कि बारिश होने वाली है ना इसलिए। तो सीचोंग कहता है वैसे तुम इसमें काफी क्यूट लग रही हो। फिर वो उसे कैंपिंग का सारा सामान दिखाने लगता है और उसे किस करने को बोलता है। जैसे ही वेवे उसे किस करने वाली होती है, तभी वो उसे रोक देता है, क्योंकि वहां पर उसके पेरेंट्स आ गए थे और ये दोनों ने भाई बोलकर कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जाकर ये लोग सारा सामान वगैरह सेटअप करते हैं। तभी सीचोंग को कोच का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि कल वापस आने के बाद तुम्हें प्रोविजनल टीम में जाना है ट्रेनिंग के लिए। तभी हमें यहाँ फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि वेवे की मॉम ने उसे कहा था कि कल वो लोग कॉलेज जाकर उसके सस्पेंशन की बात करेंगे। अब उसे फिगर आउट करना है कि उसे ये सारी बातें सीचोंग को कैसे बतानी है। इसलिए वेवे मन मन में सोच रही होती है कि सीचोंग आज ये हमारी आखिरी मीटिंग है। अब जब वेवे जानवरों को खाना खिला रही होती है, तब वो सीचोंग को भी खिलाने के लिए कहती है, पर वो काफी डर रहा था। तो वेवे उसकी मदद करने के लिए उसे हाथ लगाती है, लेकिन गलती से उसे शॉक लग जाता है। तो वेवे कहती है कि तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो अभी अभी मैंने अपने बालों को हाथ लगाया ना इसीलिए। सीचोंग बोलता है कि तुम तो सच में पिकाचू हो, तुम्हारा स्टैटिक शॉक तो बाकी लोगों से भी काफी तेज लगता है। अच्छा वो ये तो मैं था, वरना कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। पर वेवे उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती और आगे पीकॉक को देखने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीचोंग कैंप के बाहर बैठा हुआ था और वेवे की शॉक की वजह से उसका हाथ इस बार जल गया था, इसलिए वो वेवे के लिए थोड़ा परेशान होता है। पर जैसे ही वो उसके पास आती है, तो वो अपना हाथ छुपा लेता है। वेवे पूछती है कि अगर मैंने तुम्हें शॉक ना दिया होता, तो क्या तुम तब भी मुझे लाइक करते। सीचोंग बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तो मुझे लगा था कि तुम कितनी ट्रबल मेकर हो, पर तुम काफी इंटरेस्टिंग भी हो, इसलिए मैंने जानबूझकर बार बार तुम्हें चांस दिया मुझे शॉक देने का। और देखो तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने क्या क्या करा, किसे पता था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। वेवे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी इस बात का रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे पसंद किया। तो सीचोंग बोलता है कि नहीं, मुझे इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर वेवे पहले तो स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर सैड हो जाती है। अब रात में जब सीचोंग सो रहा था, तो वेवे तो उसे देखे जा रही थी। सीचोंग की जैसे ही आंख खुलती है, तो वो वेवे को ब्लैंकेट उड़ाने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रही। तब वेवे उसके पास आकर उसे हग कर लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। सीचोंग बोलता है कि अरे थैंक्स क्यों बोल रही हो, तुम हमेशा मेरी पिकाचू रहोगी जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। जो सुनकर वेवे सीचोंग के पास आकर उसे किस कर देती है और दोनों किस करने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह सीचोंग वेवे को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहां वेवे सीचोंग को काफी कस के हग करती है, जो देखकर सीचोंग को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा। पर फिर वो यहाँ से चला जाता है और वेवे अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि अब वो फिर कभी सीचोंग से मिल पाएगी। सीचोंग अब ट्रेनिंग पर चला जाता है, जहाँ वो हर दिन वेवे को कॉल करता है, लेकिन वेवे उसकी किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब सीचोंग का मैच होता है, तो वहाँ पर डिंग और डायशी आते हैं। सीचोंग पूछता है कि वेवे क्यों नहीं आई, तो डायशी बोल देती है कि वो ना उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से वो नहीं आ पाई, पर उसने हमें कहा था कि सीचोंग को बोलना कि वो अच्छे से मैच करे और फर्स्ट आए। सीचोंग इस मैच के अंदर भी फर्स्ट आता है और जब उसे ट्रेनिंग से एक दिन का गैप मिलता है, तो उसकी मॉम उसे घर ले जाने के लिए आती है।
और पूछती है कि पहले तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। तो वो बोल देता है कि वेवे के पास। मॉम बोलती है कि इतने महीनों से तुम घर से दूर रहे पर फिर भी तुम्हें पेरेंट्स से पहले गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। सीचोंग बोलता है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, मैंने वेवे से काफी दिनों से बात नहीं की है। इसलिए मॉम अब उसे वेवे के घर पर लेकर जाती है, पर वहां जाते ही वो देखता है कि उसके घर पे तो लॉक लगा हुआ है और कॉल करने पर वेवे का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जो देखकर उसकी मॉम को भी कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए सीचोंग फटाफट से कॉलेज जाकर डिंग से वेवे के बारे में पूछता है, लेकिन डिंग को भी कुछ ठीक से मालूम नहीं था। इसलिए वो उसे कैफे में ले जाकर वहाँ पर डाइशी को बुलाता है। डाइशी उसे बताती है कि वेवे कहाँ गई है तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो अचानक से ही चली गई, जो सुनकर सीचोंग काफी सैड होता है। तो डाइशी उसे वेवे का आखिरी किया हुआ मैसेज दिखा देती है और बताती है कि वेवे को कुछ हेल्थ इश्यूज है। जब सीचोंग उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे सारी चीजें पता चल जाती है, और उस मैसेज के अंदर वेवे ने ये भी लिखा हुआ था कि सीचोंग को बोल देना कि वो मुझे कभी भी ढूंढने की कोशिश ना करे। सीचोंग अब फटाफट से डॉक्टर जियांग के पास जाता है और उनसे वेवे के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो लोग तो कल ही मेरे यहाँ पर आए थे और मुझे भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो उसे बताते हैं कि ये फ्लावर्स भी वही लेकर आए थे। सीचोंग अब बेचारा परेशान होकर वेवे के घर के बाहर जाकर ही बैठ जाता है और उसकी बातों को याद करके उसके पुराने मैसेज को रीड करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वेवे एक बार अपनी आंटी के फ्लावर शॉप में गई थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अब वहीं पर गई होगी। इसलिए वो फटाफट वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं, जिसकी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई थी, और जब वो अपने आंटी के फ्लावर शॉप में होती है तब उसे वहाँ पर खुद को ही शॉक लग जाता है। फिर जब वो फ्लावर्स डिलीवर करने के लिए जा रही होती है तभी सीचोंग उसे रास्ते में मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन वेवे अंदर जाकर फटाफट से दरवाजा बंद कर लेती है। सीचोंग उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वेवे मना करके बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जो मेरे साथ ना रह सके और मेरी देखभाल ना कर सके। वो ये सब जानबूझकर बोल रही थी ताकि सीचोंग यहाँ से चला जाए, और होता भी ऐसा ही है। पर सीचोंग के जाने के बाद वो काफी रोती है। सीचोंग जब जा रहा होता है तभी उसे कोच का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि तुम इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, तुम जहाँ पर भी हो अभी की अभी फटाफट से ट्रेनिंग के लिए पहुँचो। सीचोंग उन्हें हाँ तो बोल देता है, लेकिन फिर वो जाता नहीं है, बल्कि वो तो वेवे की शॉप के बाहर जाकर फुलझड़ी जलाने लगता है। वेवे बाहर आकर सीचोंग को बोलती है कि मेरी इस प्रॉब्लम को डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो अनलकी हूँ ही, और मैं तुम्हें अपनी तरह अनलकी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर है। क्या होगा अगर मेरी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दूँ तो? जिसकी ये सारी बातें सुनकर सीचोंग उसे चुप कराने के लिए एकदम से किस कर देता है और उसे इतना सब सोचने के लिए मना करता है। तो वेवे भी मान जाती है और उसे हक कर लेती है। अब कहानी 3 साल आगे जाती है, जामलिन को देखते हैं जो कि टीचर बन गया था और कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी वहाँ पर योशन उसके लिए उसकी कॉफी लेकर आती है, और यहाँ एक लड़की सीचोंग का इंटरव्यू देख रही होती है। जहाँ हम भी देखते हैं कि सीचोंग हमेशा की तरह फर्स्ट आया होता है। तो डाइशी जो कि अब एक रिपोर्टर बन गई थी, वो उसका इंटरव्यू ले रही होती है। वो उसे बोलती है कि अब कॉम्पिटिशन के बाद तुम क्या करने वाले हो। तो वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद डाइशी सीचोंग को डांटने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हें इंटरव्यू में बताने की क्या जरूरत थी, अब तो वेवे को वैसे ही पता चल जाएगा। सीचोंग बोलता है कि तो क्या हो गया, मैं तो एक तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट ही कर रहा हूँ ना। फिर वो उसे एक मैप देता है और इसे वेवे को देने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर डिंग आता है, जो कि अब एक स्विमिंग कोच बन चुका था, और क्योंकि वो लेट आया था तो उसे सजा के तौर पर डाइशी को अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ से ले जाना पड़ता है। जिसके बाद हम शारो को देखते हैं, जो कि सीचोंग से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि अब वो मेडिकल फील्ड में चला गया है। वो यहाँ पर उसे जुनजुन के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो तुम्हारा मैच देखने के लिए नहीं आती। तो वो बताता है कि वो अब एक कंपनी की इंचार्ज बन चुकी है, वो काफी बिजी है, उसके पास मेरा मैच वैच देखने के लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर वो उसके फोन में जुनजुन का नंबर देकर यहाँ से चला जाता है और शारुए उसे बात करने लगता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं। वेवे की पावर्स अब शायद चली गई थी, जो कि एक एक्वेरियम के बाहर खड़ी हुई थी, और सीचोंग का मैप फॉलो करते करते उसके अंदर जाती है, जहाँ उसे एक्वेरियम के अंदर सीचोंग भी फिशेस के साथ दिखाई देता है। फिर जब वो और आगे जाती है तब उसे वहाँ पर एक पोकेमोन मिलता है, जिसके अंदर पिकाचू के साथ साथ एक रिंग भी थी। तभी सीचोंग वहाँ पर उसे आके शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काफी जल्दी है तो मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे 1 साल हो, 3 साल हो या फिर 10 साल, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। जो सुनकर वेवे इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे इतना वेट कराओगे, मुझे तो अभी शादी करनी है। जो सुनकर सीचोंग भी खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।